हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम फिर से एक केस की बात करेंगे, व्हीट एलर्जी का केस, सीलिएकीज। वो लोग जिनको गेहूं खाने से प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द होने लग जाता है, लूज मोशंस होते हैं, हेडेक हो सकते हैं, स्किन इरप्शंस हो सकती हैं, उल्टियां लग सकती हैं, सो इस तरह ये सीलिएक पेशेंट इस तरह से सफ़र करते हैं। सो ये केस है एक बच्ची का, जो 10 साल की बच्ची है जिसको सीलिएक प्रॉब्लम है। इस बच्ची को 4 साल पहले ये प्रॉब्लम हुई थी, तब इसका पेट दर्द हुआ करता था, हर रोज़ पेट दर्द होना, और डॉक्टर्स इसको कुछ ना कुछ दवाई दे देते थे, 2-4 दिन ठीक हो जाती थी, फिर से दोबारा पेट दर्द। उसके बाद पेट दर्द तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीनों के बाद इसको लूज मोशंस लग गए, उसके साथ साथ हेडेक, उसके साथ साथ टांगों में दर्द, सिर दर्द, ये सब कुछ बहुत रहने लगा। फिर एक डॉक्टर के एडवाइस करने पर उन्होंने TTG टेस्ट करवाया, उसमें उनका फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट निकली दैट वाज 86.90। बच्ची की हाइट 4 feet 4 inches थी और वेट 22.7 किलोग्राम्स था। जब उसके पेरेंट्स से पूछा गया कि इसकी कंडीशन के बारे में बताइए, तो उन्होंने बोला कि जब से वीट बंद किया है तब से कुछ फ़र्क है, जो रोज़ लूज मोशन लगा करते थे, हर रोज़ हेडेक हुआ करता था या हर रोज़ टांगों में दर्द होती थी, वो कुछ फ़र्क है, लेकिन पेट दर्द अभी भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने और बताया कि हर वक्त ये बच्ची हर वक्त गिरी रहती है, बस सारा दिन बेड पे पड़ी रहूं, कोई काम ना करूं, ना पढ़ने का मन में इंटरेस्ट है, ना अदरवाइज इंटेलिजेंट है, लेकिन पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई मदर के साथ हेल्प करवानी, ना कुछ काम करना, बहुत ज़्यादा बस बीमारों की तरह पड़ी रहती है। और जब भी इससे पूछो कि कुछ कर लो, तो ये कहती है कि मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं तो बीमार हूँ। और सच में ये वीक भी है, वीक भी काफ़ी है, और खड़ी नहीं हुआ जाता, कुछ काम नहीं किया जाता, बुक्स कॉपीज बिल्कुल संभाल के नहीं रखती, फटी हुई होती हैं। अगर कभी मूड आए तो काम कर लेना, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं, कहना को ना भी ठीक ठीक ही मानती है, जिद वगैरह कोई ज़्यादा नहीं करती, लेकिन मान जाती है, रोती बहुत जल्दी है, झट से रो पड़ना, झट से चुप करना। तो ये सब कुछ उन्होंने बताया। जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि वीट बंद करने के बावजूद बच्ची को बहुत ज़्यादा थकावट, हर वक्त शरीर गिरा गिरा, हर वक्त लेटे रहना, हर वक्त पड़े रहना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सो, जब हम इसके अकॉर्डिंगली रूब्रिक्स लेते हैं, तो सबसे पहला जो रूब्रिक वीट एलर्जी का हमारा आता है, दैट इज़ वीट एग्रीवेट, और सारा दिन बेड पे पड़े रहना, बेड डिज़ायर टू रिमेन इन, कोई काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा सुस्ती, कुछ भी काम करने को मन नहीं करना, इंडोलेंस फिजिकल, कुछ भी काम करने को मन नहीं करना। और क्या कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम सिक। सो यहाँ पे होगा डिल्यूजन, सिक ही इज, भूख नहीं लगती है, एपिटाइट डिमिनिश्ड। हम सब बड़े बड़े ब्रॉड रूब्रिक्स लेंगे ताकि उसकी कंडीशन को 4-5 मेडिसिन को कंपेयर किया जा सके। फिर उन्होंने बताया कि बहुत लापरवाह है, अपनी बुक्स का, अपनी कॉपीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, तो यहाँ पे हम लेंगे फ्रिवलस। उसके बाद रोना धोना, हर बात पे रोना, हर बात पे रोना, वीपिंग इजीली,
और मदर मना लेती है तो कॉन्सोलेशन एमिलियोरेट, कि प्यार से मना लिया, बात कर ली तो फिर मान जाना। और बहुत इरिटेबल चाइल्ड है, बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है, बहुत गुस्सा करती है, इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रन, पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, सारा दिन पढ़े रहना, सो कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट, स्टडिंग रीडिंग वाइल, और शरारती बहुत ज़्यादा, मिसचीवियस। जब ये सारे रूब्रिक्स सारे के सारे कंप्यूटर में डाले तो यहाँ से सिर्फ एक ही मेडिसिन सामने आई, दैट वाज पल्साटिला। इसके साथ नेक्सवोमिका है, उसके साथ सीपिया भी है, लेकिन पल्स में बहुत फ्रिवलस होता है पेशेंट, इंडोलेंस होती है, बेड डिज़ायर होती है, कोई काम नहीं करता, भूख नहीं लगती, रोना धोना बहुत ज़्यादा। सो इस तरह से इसकी मेडिसिन जो स्टार्ट की, दैट वाज विद पल्साटिला। पल्साटिला 30 की पहले एक डोज दी और पहले ही महीने में उनको लगा कि काफ़ी फ़र्क है, लेकिन पेट दर्द अभी भी होता है। उसके बाद उसकी एपीटाइट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन पेट दर्द अभी भी चल रहा था। फिर पल्साटिला 200 दी, उसके एक महीने के बाद पल्साटिला 1 mg दी। उसकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई, HB10 हो गया, TTG 0.54 हो गया और उसका वेट इंक्रीज होके 24.9 एंड हाइट 4 feet and 5 inches हो गई जस्ट 3 months में। काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन ये पेशेंट कभी 3 महीने दवाई लेने आए, कभी नहीं आए, कभी फिर 2 महीने का गैप, कभी फिर 3 महीने का गैप, ऐसे चलता रहा। तो ये केस बहुत लंबा चला। उसके बाद पल्साटिला 10 mg दी, सारा कुछ फ़र्क पड़ता रहा, TTG भी ठीक रहा, लेकिन बच्ची का पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। पेट दर्द अक्सर हुआ करता था, भूख में भी इम्प्रूवमेंट हो गई, हाइट एंड वेट बहुत अच्छे बढ़ गए। फिर मैंने जब 1.5 साल बीत गया तो मैंने सोचा कि अगर बच्ची का पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रही, आई मस्ट चेंज द मेडिसिन। उसके बाद फिर मैंने एक और सेट रूब्रिक्स का लिया, मैंने दोबारा उनसे काफ़ी कुछ पूछा। इस बार उन्होंने बताया कि इसको शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी नॉइस, कोई भी शोर, कोई भी म्यूज़िक, टीवी, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ पे रूब्रिक्स लिए, म्यूज़िक एवर्शन टू, सेंसिटिव नॉइस टू, सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट नॉइस एंड एवर्शन टू नॉइस। जब ये वाले रूब्रिक्स डाले तो माई सेकेंड मेडिसिन जो नेक्सवोमिका थी वो फ्रंट पे आ गई। उसमें भी वीट एग्रीवेट है, फिजिकल इंडोलेंस है, एपीटाइट डिमिनिश है एंड डिल्यूजन सिक ही इज, ये सब कुछ उसी में है। कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट इन स्टडिंग रीडिंग ये भी है, मिसचीवियस है। तो ये सब कुछ देखते हुए मैंने उसकी मेडिसिन चेंज करके नेक्सवोमिका स्टार्ट की। पहले 30 की एक डोज दी, उसके बाद नेक्स्ट मंथ 200, फिर 1 mg। जैसे ही मैंने मेडिसिन चेंज की उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, उसका पेट दर्द भी पहले से कम हो गया। कभी कभी बीच में हेडेक हुआ करता था, कभी टांगों में दर्द हुआ करता था, लेजी तो वो पहले से ही थी, इंडोलेंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती गई। उसके बाद नेक्सवोमिका 1 mg कम से कम उसको 6 महीने तक हर महीने में एक डोज दी गई। फिर उन्होंने 1.5-2 महीने का गैप डाल दिया, उसके बाद फिर उन्होंने 2.5-2.5 महीने का गैप डाल दिया। ऐसे बहुत लंबा इनका 2-3 महीने का गैप चलता रहा। मैंने हर बार बोलना कि आप ढंग से दवाई लो, लेकिन उन्होंने एक बार भी ढंग से मेडिसिन नहीं ली। फिर इसको एक बार खाना स्टार्ट किया गया, उसके 3 महीने तक जब रिपोर्ट आई 1.94, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, फिर उसको दोबारा
टू टाइम्स खाना स्टार्ट किया गया कि दो बार स्टार्ट किया जाए। उसके बाद उसका फिर से TTG बहुत अच्छा आया, तो HB भी ठीक था, TTG भी ठीक था। फिर उसका 3 times स्टार्ट किया गया, TTG was 1.63। तो बीच में नक्सवमिका 10 mg की एक डोज दी गई। अब उसका पेट दर्द नहीं होता था और पिछले कुछ महीनों से वो हर रोज डेली वीट खा रही है और उसका TTG है 0.66, जो कि 20 से कम होना चाहिए। उसकी हाइट इंक्रीज होके होगी 5 feet 7 inches और उसका वेट 50 kilograms। अभी रिसेंटली मैंने उनकी दवाई बंद कर दी है क्योंकि उसकी हाइट बहुत अच्छी ग्रो होगी, उसका वेट बहुत अच्छा हो गया और अब पेट में दर्द भी नहीं है। तो इस केस में 2 medicines मैंने दी, पहले पल्सटेला, उसने कुछ पार्ट कवर किया, लेकिन जो पेट दर्द इसका ठीक नहीं हुआ करता था, हर बार पेट दर्द हो ही जा रहा है, तो वो इसका नक्सवमिका से ठीक हुआ। सो दिस इज अ केस ऑफ वीट एलर्जी जिसमें होम्योपैथी ने, चाहे टाइम ज़्यादा लंबा लग गया, 4 साल लग गए, क्योंकि पेशेंट हमेशा ही 2-3 महीने आते ही नहीं थे, इतने इररेगुलर होने के बावजूद भी ये ठीक हुए। सो अगर आपको किसी को भी वीट की एलर्जी है, गेहूं से एलर्जी है, गेहूं लेने से कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में वो हमेशा कहते हैं कि आपको सारी उम्र के लिए वीट गेहूं छोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पेशेंट्स को एक और एडवाइस करती हूँ कि चाहे आप होम्योपैथी से ठीक हो गए, लेकिन फिर भी आप अपना TTG और HB रेगुलर 6-6 महीने के बाद टेस्ट करवाओ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पिछले 10 साल पहले या 15 साल पहले, 12 साल पहले ठीक हुए थे, वो आज भी मेरे पास कुछ ना कुछ किसी और प्रॉब्लम के लिए, या उनके पेरेंट्स या फ्रेंड्स आते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक है। सो इस तरह इसका वीट एलर्जी का प्रॉपर ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है, आपको होम्योपैथी लेनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे मन में कोई डाउट रहता है तो इसको बार बार चेक करवाते रहिए, 6-6 महीने के बाद, ठीक होने के बाद 6 महीने के बाद चेक करवाओ, ताकि प्रिकॉशंस देखी जा सके। सो दिस इज अ केस ऑफ वीट एलर्जी। सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस केस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, या उन लोगों के साथ जिनको ये वीट की प्रॉब्लम है, एंड टेक होम्योपैथी। होम्योपैथी में हम कोई भी दवाई खुद से नहीं ले सकते, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा और वहीं से आपको मेडिसिन मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।